बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को अक्सर सरकार का पक्ष रखते हुए टीवी पर होने वाले डिबेट कार्यक्रमों में देखा जाता है। कई बार वो दूसरों पर भारी पड़ते हैं तो कई बार उनको भी जमकर घेरा जाता है। दरअसल इस बार बीजेपी नेता संबित पात्रा के भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने उन्हें घेरा। कन्हैया ने कहा कि पता नहीं पात्रा में ऐसा कौन सा कोहिनूर है जो उन्हें ITDC का चेयरमैन बना दिया गया है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर बातचीत में कन्हैया ने कहा कि डॉक्टर है या कौन से कोहिनूर है जो इनको ITDC का चेयरमैन बना दिया गया। वहीं कन्हैया ने इस बयान पर पात्रा ने अपनी डिग्री के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पहले ITDC के चेयरमैन शंकर सिंह बाघेला थे। या पात्रा ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है तो उन्होंने MBBS, SS, MRCS की पढ़ाई की है। यही नहीं, उन्होंने 2000 में UPSC की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसीसी लिखते रहते हैं। इसके बाद भी दोनों नेताओं की जुबानी जंग यही नहीं रुकी बल्कि लगातार दोनों के बीच विचारों को लेकर वाद विवाद होता रहा। खैर, इस तरह का डिबेट दोनों के बीच पहले भी देखा जाता है।